एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एंड दिस इज संदीप पलेज एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क साइकिलिंग राइड के लिए। और मुझे, मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई मेट्रो में, और मुझे सबसे बेस्ट, इतना पसंद आया ये फीचर इसका, साइकिलिंग के लिए ये लोगों ने जगह छोड़ी हुई है। बहुत, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा। आई थिंक मेट्रो घाटों पर, अंदर ही मेट्रो बहुत टाइम से है, बट उसमें अलाउड नहीं है साइकिल। मैंने ट्राई नहीं किया जाकर देखकर घाटों स्टेशन में जाकर, मुझे नाम होती है, बट यस, वेस्टर्न एक्सप्रेस, वेस्टर्न लाइन की जो भी मेट्रो है उसमें साइकिलिंग अलाउड है, आप कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा व्यू, बहुत पसंद आया इसका फीचर। और मुझे सबसे अच्छा फीचर इसका इसके लिए लगा, बिकॉज घाटों मेट्रो का मुझे नाम बोला तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा ट्रैक दिया हुआ है इसको अच्छे से लगाने के लिए। मतलब आपका साइकिल मूव ही नहीं करता है, अलग से पूरा पूरा अलग से दिया हुआ है, तो बहुत सही MMRDA ने काम किया है। हेड्स ऑफ टू MMRDA, थैंक यू सो मच कि साइकिलिंग के लिए इतना सोच रही है, इतना अवेयरनेस है इंडिया में भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। थैंक यू सो मच MMRDA। और मैं तो चाहूँगा कि रिलायंस भी ऐसा कुछ मेट्रो मेट्रो में अलाउड करे, कम से कम आप संडे के दिन तो अलाउड कर ही सकते हैं, तो बेटर रहेगा। बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, यू कैन सी द सनराइज। हम लोग जा रहे हैं कि उसकी तरफ। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे, और आप लोग इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। और 118 रुपीज़ टिकट्स है अंदर का एंट्री। और हम कुछ, मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया साइकिलिंग का कितना है और पर पर्सन कितना है, बट 118 का टिकट आया है। रोड बहुत अच्छे, लोकल्स आपको यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे थोड़ी सी पब्लिक कम होती जाएगी, तो मज़ा आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, मैं तो मुंबई को बहुत ब्लेस गिनता हूँ कि ऐसा फॉरेस्ट हम लोग को मिला है। तो मुझे चाहिए हम लोग इसको बचा के रखें, सिर्फ मुझे नहीं, आप सब लोग इसको बचा के रखें। तो हम लोग नया रूट ट्राई कर रहे हैं अभी, और एक्चुअली जो रेगुलर रूट है वहाँ से बसेस जाती है, तो हम लोग नया रूट ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ऐसा बोल रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे फ्रेंड्स गए हुए वहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा रूट है। वाओ, इट्स लुक ब्यूटीफुल, ये बहुत ही अच्छा रूट लग रहा है। अच्छा, रुक रहा है क्या? आ जा। मैं क्यों बोल रहा हूँ मुंबई बहुत ब्लेस है, बिकॉज ऐसा नेशनल पार्क मिलना, वो भी इतना क्राउडेड सिटी में, है बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब मुंबई के हिसाब से। ये स्टार्ट फ्रॉम बोरीवली टू एंड थाना येवूर हिल्स, ये जो मैं बीच का डिस्टेंस बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है। इतने क्राउडेड सिटी में इतना बड़ा नेशनल पार्क होना, ये तो किस्मत की बात है। तो मुंबई की पब्लिक ब्लेस है, इसको बचा के रखना चाहिए मुझे लगता है। एवरीवन प्लीज़ बचा के रखो इसको। अरे स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं पता था, PRC बोले तो रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसा है। कस्टमर को बोला मैंने ये PRC ना बोला है, कस्टमर बोले PRC क्या है, मैंने बोला फॉरेन कंट्री है, तो बोलता है चाइना। उसके बाद मैंने बोलना बंद कर दिया। अरे यार, ये बंदर लोग बहुत परेशान करेंगे। संदीप भाई के पास में तो खाना है। सब लोग, अभी हम लोग सब साथ में हो गए हैं, बिकॉज मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस से साइकिल चला गया, उसके बाद में मेट्रो में आ गया था। ये लोग सब साइकिलिंग करके, मैं डिकेटलॉन का पूरा ग्रुप,
पूरा वहाँ से साइकिलिंग करके आया। अरे रे मैंने वो पिकअप ही नहीं लिया रे। गाइस व्हाट वी फाउंड, चेक डियर। ये फ़ायदा होता है नेशनल पार्क में आने का। डोंट शाउट गाइस, बहुत अच्छा शॉट मिल रहा है तुझे। 2 मिनट ये लोग शांत रहेगा ना, आगे भी आ जाएगा। अरे खासा कौन है यहाँ पे, बहुत सारे। वाओ सो मेनी डियर्स। बंदर ज्यादा परेशान करते डियर से, वो देख। वाओ लेपर्ड आया तो ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग एकदम प्रॉपर फॉरेस्ट में। रास्ते में डियर दिख रहे हैं, बस लेपर्ड ही नहीं दिखा। साइकिलिंग के लिए बेस्ट रूट है, बहुत सारी साइकिलिंग में बाहर रेंट पे भी मिलती है, तो बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे। रोड भी बहुत अच्छा बना है अंदर कैनरी के उस तक, हम लोग ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। जो मुंबई की पब्लिक है उनको तो पता रहता है कि क्या है, पर आउटसाइड पब्लिक है तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा आप साइकिलिंग 100% करो यहाँ पे। आप कभी बारिश में आओगे तो ये पूरा पूरा का पूरा नदी भरा हुआ रहता है, पूरा रिवर फ्लड होता है और पूरा पानी आता है बाहर, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये। सो गाइज यू कैन बिलीव यू आर इन मुंबई, ऐसे ब्यूटीफुल रोड देखने मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है साइकिलिंग यहाँ पे, वेरी गुड। मैं बहुत बार बहुत सारे फॉरेस्ट में जाता हूँ सफारी करने के लिए, अभी सेम फीलिंग आ रही है। बड़े बड़े जैसे बांधवगढ़ है, रणथंभौर है, ताड़ोबा है, ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे, बोले छोटा फॉरेस्ट बट सेम फीलिंग दे रहा है, सेम टू सेम फीलिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। बस फर्क इतना है यहाँ पे लेपर्ड है, वहाँ पे टाइगर है, इतना नहीं है, बहुत बड़ा है। बट ये फॉरेस्ट बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज ये सिटी के अंदर है, इसीलिए। तो यहाँ पे बस भी चलती है, किसी को साइकिलिंग करके नहीं आना है और बस में जाना था बस में भी चल सकते हैं। देखो आप सामने से आ रही है बस, पर वो भी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस चलती है, बेस्ट की, A188 बस का नंबर है। आज वीकेंड है और संडे है तो बहुत सारे साइकिलिस्ट है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे साइकिल रेंट पे भी मिलती है बाहर। मैंने पूछा आवरली बेसिस पे वो लोग साइकिल देते हैं, कुछ 180 रुपीज़ बताया। मैंने तो एक ही बंदे को पूछा है, बट मुझे लगता है अलग अलग लोग आप रहोगे पूछोगे कहीं पे सिर्फ, तो प्राइसिंग में डिफरेंस आ सकता है, तो आप ट्राई करो दूसरे लोगों को भी पूछो, तो आपको साइकिल थोड़ा चीपर भी मिल सकती है। और दोनों बाइक मिलती है, मैंने पूछा उसको, MTB और रोड बाइक, दोनों बाइक मिलती है यहाँ पे। सो गाइस वी आर क्लोज टू कैनरी केव्स, ये एंट्रेंस गेट है कैनरी केव्स का, मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 900 to 1 किलोमीटर है यहाँ से। लास्ट का चीज़ हमको देखना है हम कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज वो बहुत स्टीप है गाइस। हम लोग सबसे स्टीप पॉइंट पे है, ट्राई कर रहे हैं चढ़ पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है गाइस, हम लोग ने ट्राई तो किया, हाफ पे हम लोग चढ़ गए बट नहीं चढ़ पा रहे, एक दो लोग ही गए चढ़ के, वो भी आगे मुझे लग रहा है उतर गए। तो हमको ऐसा लग रहा है हम यहाँ से वॉकिंग जाएंगे, स्टीप बहुत ज़्यादा स्टीप है,
आपको दिखा तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक हम लोग को लग रहा है 500 मीटर हमको चल के ही जाना पड़ेगा। मेजोरिटी लोग नहीं चला पा रहे, मैं खुद भी नहीं चला पा रहा हूँ। हम लोग बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सब लोग। हाय, मेरा खत्म हो गया। क्या ब्रेकफास्ट खत्म हो गया? श्री ने किसी का इंट्रोडक्शन नहीं कराया अभी तक। हीरो ना। हाय श्री, तेरा नाम? हाँ, मेरे को वीडियो लेना है। बेस्ट ब्रेकफास्ट ले रहे हैं हम लोग आज। थैंक यू सो मच। सो गाइस, वी आर रीच एट कैनरी केव्स। अभी हम लोग को ऊपर जाना है, यहाँ पे साइकिल नहीं चढ़ती है। और अभी इधर 10 मिनट हुए रहेंगे ना। तो इन कैनरी केव्स हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे इसका, तो मुझे यहाँ से पता चला कि ये 2nd century 11th century इसी में ये बनाया गया था बुद्धिस्ट लोगों ने। तो जब भी वो लोग ट्रैवल करते थे तभी यहाँ पे रहते थे। ये हेरिटेज है यहाँ का। तो हम लोग बहुत बार आते हैं, बट ऐसे इंफॉर्मेशन कभी कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। मुझे अच्छा लगता है हिस्ट्री जानना, तो मैं आपको इसलिए थोड़ा, मुझे लगा आपको बता दूँ मैं। इतना पुराना ये केव्स है, बट अभी काफ़ी अच्छी तरह रिस्टोर किया है। पहले मैं जब यहाँ पे आया था तो भी इतनी अच्छी तरह बना हुआ नहीं था। ये बहुत ही अच्छी तरह बना हुआ है, अभी इसको रिस्टोर किया हुआ है अच्छी तरह से। सो नाइस, थैंक यू गवर्नमेंट। या आप जाओगे इलोरा या फिर अब जैसे कैलाश टेम्पल है वहाँ पे औरंगाबाद में, वहाँ पे सब बुद्ध की जो भी बुद्धिस्ट जितना भी आर्किटेक्चर है सब यही टाइप का है। देखो ये सब यही टाइप का आर्किटेक्चर है। तो जो बुद्ध मॉन्क्स लोग थे वो ट्रैवल करते थे, तो भी ये लोग ने बना के रखा है। आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है, इतने सालों से टिका हुआ है। वेरी नाइस। यहाँ पे देखो वो ज़माने की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है तो मुझे भी नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे भी, बट आप देख सकते हैं। तो वैसे हम लोग को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी इधर उधर से पूछ के हम लोग को पता चला है कि वो लैंग्वेज पाली लैंग्वेज लिखी हुई है वहाँ पे। तो अभी गाइज हम लोग कैनरी केव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है और ये हमारे उमंग भाई ब्लॉग के लिए जान देते हुए, देख लो हमारे उमंग भाई जान देते हुए। हाँ जंप।